दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टार में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्मार्ट टीवी, जिसके हम आपको सारे फीचर्स बताएंगे, कैसे इसमें वाईफाई कनेक्ट करना है, कैसे आपको इसको यूट्यूब से चलाना है, और कैसे आपको इसमें स्क्रीन कास्ट करनी है, क्या क्या हमें इसमें रैम देनी चाहिए, प्रोसेसर देना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर की मेलोडी खरीदनी चाहिए, गूगल टीवी ज्यादा अच्छा है, वेब ओएस अच्छा है, या एंड्रॉइड टीवी ज्यादा अच्छा है, या स्मार्ट टीवी, सब कुछ बताएंगे आप वीडियो पर। अगर नए चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो आप तक टाइम तक पहुंचती रहे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, हम पहले इसको आपको दिखाते हैं एलईडी को प्रॉपर। 32 इंच साइज है आपका ये एलईडी का, इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसमें फुल आईपीएस पैनल दिया गया आपको, ना सीलन में खराब होगा ना किसी चीज में खराब होगा, फुल आईपीएस पैनल है इसके अंदर आपका। पीछे हमें इसमें साउंड बार दिए गए 60 वाट के, ये आपको दोनों तरफ बूफर दिए गए हैं साउंड बार। और मैं आपको नीचे के फीचर दिखा देता हूँ। डबल HDMI दिया गया है हमें इसके अंदर, HDMI 1, HDMI 2। ये डायरेक्ट आपका वाईफाई का तार लग जाएगा RG45। यहाँ पे आपका ईयरफोन, मतलब अगर आपको होम थिएटर या सिस्टम वगैरह से किसी से भी कनेक्ट करना है तो इजिली कनेक्ट हो जाएगा इधर से। अगर हम बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पर हमें डबल AV दिया गया है, AV 1 AV 2। यहाँ आपका छतरी वगैरह डिश वगैरह जिस भाई को भी लगानी है तो यहाँ से AV कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका पेन ड्राइव है, गाने वगैरह कॉपी करने एक से दूसरे में या कभी एक में एक्चुअली में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए WSB दिया गया हमें। तो हम आगे की बात करते हैं, ये आपका होम पेज आ गया, इसमें हमें सारे फीचर दिए गए हैं। ये आपका गूगल प्ले स्टोर हो गया, मीरा कास्ट हो गया, पायलट हो गया, ऐप स्टोर हो गया। इसमें बहुत से फीचर्स हैं जो आपको मैं टाइम टू टाइम सीरीज बनाएंगे हम एक वीडियो की एलईडी की, इसमें टाइम टू टाइम आपको हर एक फंक्शन के बारे में मैं डीपली बताऊंगा, किसको कैसे चलाना है, कैसे कनेक्ट करना है, कौन से प्रोसेसर की एलईडी लेनी चाहिए, सब कुछ डीपली बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, अब वीडियो पर बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज मैं आपको टॉपिक देता हूँ वाईफाई कनेक्ट करते हैं, कैसे स्मार्ट टीवी में वाईफाई कनेक्ट करना है, तो उसके बारे में करना आपको होम पेज है, आप इसकी स्टार्टिंग ढूंढो। अगर रिमोट में डायरेक्ट बटन है तो रिमोट में, हमारे जैसे हमारे पास से अगर आप एलईडी बुक करवाते हैं तो सब कुछ हमारे पास डायरेक्ट मिलेगा रिमोट में, सेटिंग का बटन है आपका रिमोट में। जिस भाई के नहीं है तो मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। ये ऊपर से जाओगे तो ऊपर होम पेज पर राइट हैंड साइड आपकी कोई भी एलईडी हो 99% यहीं पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके करो। अभी सेटिंग का मैनुअल खुल के आ जाएगा, उसमें आपको आगे दिखाता हूँ। सेटिंग का मैनुअल है, अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ से वॉलपेपर चेंज हो जाएगा एलईडी के अंदर। ये बाकी के ऑप्शंस है, ये सिस्टम सेटिंग्स है, सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे हम। तो हमारा सिस्टम सेटिंग्स खुल गई, ये साइड में हमारे वाईफाई के सारे ऑप्शंस लिखे आ गए, जो जो हमारे नियर बाय वाईफाई है, जैसे हमारी शॉप का वाईफाई एयरटेल गर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, इसको ओके क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड होना सबसे जरूरी है। तो हमारा पासवर्ड डालते हैं और आपको लाइव कनेक्ट करके दिखा देते हैं। कुछ नहीं है, आप एक बार कनेक्ट करोगे तो इजीली जब भी आप एलईडी ऑन करोगे तो वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगी आपकी एलईडी, उसमें आपको फिर बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, जब भी आप इसमें डालोगे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी वो, आपका वाईफाई हो चुका कनेक्ट। बाकी का फीचर्स अगर आपको जानने हैं दूसरी वीडियो में, किस चीज में बनाऊँ, किस टॉपिक में बनाऊँ, पहले आपको ये बताऊँ कि यूट्यूब पे कैसे चलना है, या पहले आपको ये बताऊं कि आपको स्क्रीन कास्ट कैसे करनी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको हर टॉपिक पे एक एक सीरीज के हिसाब से वीडियो बना के दूंगा कि यूट्यूब से कैसे करनी है, कौन से प्रोसेसर लेना चाहिए, कितने GB की मिनिमम एलईडी लेनी चाहिए आपको, उसमें कितनी रैम, कितनी इंटरनल स्टोरेज होनी चाहिए, हर चीज़ पे सीरीज वाइज मैं आपको एक वीडियो देता रहूंगा। उससे पहले अभी तक मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमारे अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली हमारी सारी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत से भाइयों को नहीं पता कि कैसे यूट्यूब से चलानी है एलईडी को, कैसे वाईफाई कनेक्ट करना है, कितनी रैम होनी चाहिए एलईडी के अंदर, कितनी इंटरनल स्टोरेज होनी चाहिए मिनिमम, जो हमारी एलईडी अच्छी चले, हैंग ना हो बिल्कुल भी, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और एक मेन टॉपिक पे भी आपको लास्ट वीडियो दूंगा इसी सीरीज के अंदर कि आप वॉइस रिमोट अपने नॉर्मल एलईडी के अंदर वॉइस रिमोट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो आपने विदाउट वॉइस वाली एलईडी ली है उसको वॉइस कमांड कैसे बना सकते हैं, उसका भी सीक्रेट मैं दूंगा। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।